नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आपका स्वागत है चंदौली समाचार में। चंदौली जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या इस कदर बढ़ती जा रही है कि अब इस पर अंकुश लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। 21 जुलाई को जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 नए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मिले हैं, जिससे जिले में अब कुल कोरोना पॉजिटिव केस 555 हो चुके हैं और वहीं पर एक्टिव केस 317 है। इनमें 7 महिला, 2 बालक तथा 15 पुरुष हैं। इनमें से 1 प्रयागराज से, 2 मुंबई से, 1 अहमदाबाद से और 1 श्रीनगर से आए हुए हैं। और इनके अलावा बाकी जितने भी संक्रमित मरीज मिले वो सब अपने लोकल एरिया के ही बताए जा रहे हैं। आपको बताते चलिए कि इन सभी कोरोना संक्रमितों में से 2 स्वास्थ्य विभाग की आशा, 1 सप्लायर, 1 BSF जवान, 1 जिला न्यायालय से, 2 गृहिणी, 1 ज्वेलरशिप कर्मी, 1 छात्र, 2 पुलिस विभाग से, 1 सहायक अध्यापक, 1 रेलवे लोको पायलट और 1 इलेक्ट्रीशियन है। 3 व्यक्तियों का जिला चिकित्सालय चंदौली में इलाज चल रहा है। यह जनपद चंदौली में क्रमशः बरहनी ब्लॉक के 2, चहनिया ब्लॉक के 1, चंदौली ब्लॉक के नगरी क्षेत्र से 2 व ग्रामीण क्षेत्र से 4, थानापुर के 1, डीडीयू नगर के 10, नियमताबाग के 1, सतरनिया के 3 रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन सभी के संपर्क में आए अन्य व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी है। इसके अतिरिक्त 21 व्यक्तियों को डिस्चार्ज भी किया गया। L1 अटैच फैसिलिटी ITI कॉलेज रेवसा के 19, 1 भोगवार और 1 BHU से डिस्चार्ज की सूचना प्राप्त हुई है। इस प्रकार जनपद चंदौली में कुल मरीजों की संख्या 555 है और वहीं पे एक्टिव पेशेंट 317 और डिस्चार्ज हुए पेशेंट 233 बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या 5 है। यह वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप अपने चाहने वाले के साथ शेयर करें ताकि वो भी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अगर ये वीडियो आप Facebook या Instagram पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद।